नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 271 में और एक्सेल के 78 के लेक्चर में आपको एक नई सी ट्रिक दिखाऊंगा। वो क्या है कि अगर डेट कॉलम में से आप यही थंबनेल में देखो, जितने भी मैंने लिखे उससे भी ज्यादा कोई भी नई कॉलम बनाना चाहते हो, या तो थंबनेल में देख लो एक्सेल का पिक्चर है, इस तरह से अगर आप कॉलम चाहते हो तो बहुत देर लगेगी, लेकिन जो मैं ट्रिक दिखा रहा हूँ वहां से बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो चलो फ्रेंड, वो कैसे करते हैं मैं आज आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 और आप देख रहे हो यहाँ पर जितने भी डेटा है वो डेटा की लेंथ बहुत ज्यादा है। यानी कि कंट्रोल डाउन करूंगा मैं इतना 2000 यानी 3000 के करीब है मेरे पास डेटा। और ये जो डेट है, डेट में से ये डेट में कौन सा डे था, कौन सा मंथ है, मंथ के नेम क्या है और साल कौन सा था, मुझे सिर्फ साल चाहिए, मुझे सिर्फ मंथ के नेम चाहिए, मुझे सिर्फ डे चाहिए, या मुझे डे ऑफ वीक चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में रहते हैं, उन सारे के लिए मुझे फंक्शन लगाना पड़ता है। जैसे कि मुझे अगर ईयर चाहिए तो मुझे ये ईयर फंक्शन लगाना है, तो इस तरह से मुझे ईयर मिलता है और मुझे इस तरह से डाउन 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 करके चलना रहता है, तब जाके मैं ये काम कर पाता हूँ। और जब ये कॉपी करके कहीं भी ले जाऊंगा तो ये फंक्शन कॉपी होगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं करना हो तो एक और एक नई चीज दिखाता हूँ, वो है पावर क्वेरी एडिटर। तो चलो फ्रेंड्स, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप डेटा में चले जाओ, डेटा मेनू में जाएंगे, आपको यहाँ बहुत सारे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा है। मुझे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है लेकिन फ्रॉम टेबल रेंज, तो मैं फ्रॉम टेबल रेंज करूंगा तो मुझे ये पहले टेबल में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा और मुझे कन्वर्ट करना है। इस तरह से मैं ओके प्रेस करूंगा, ये कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद पावर क्वेरी एडिटर ऑप्शन विंडोज ओपन होता है। ये जो पावर क्वेरी एडिटर विंडो ओपन हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो वहां पर डेट टाइप थी, एक्सेल में डेट टाइप थी, यहाँ देखो डेट टाइप थी, लेकिन डेट टाइप में इस तरह से पीछे ये सारे वो आ रहे हैं देखो, और टाइम, लेकिन टाइम तो था ही नहीं लेकिन टाइम दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। डेट एंड टाइम में से सिर्फ मैं डेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस तरह से करूंगा, रिप्लेस करन करूंगा, ठीक है। तो सिर्फ डेट में कन्वर्ट हो गया, डेट टाइम का जो पोर्शन था वो निकल गया। तो इस तरह से पावर एडिट क्वेरी एडिटर में एक दो वीडियो और बनाए थे और बहुत सारे वीडियो में बनाऊंगा, आप देख लेना, बहुत काम की चीज है ये। जो जो मैंने यहाँ पर काम किया था वो यहाँ पर स्टेप सेव होंगे। अगर ये स्टेप को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो ये स्टेप डिलीट हो जाएगा, यानी अंडू, जैसे हम कंट्रोल जेड बोलते हैं इस तरह से। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ से डेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये मेरी डेट में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और एड कॉलम दो ऑप्शन मिले, मुझे यहाँ पर कॉलम एड करना है तो मुझे एड कॉलम में जाना है। एड कॉलम में जाने के बाद मुझे यहाँ पर फ्रॉम डेट एंड टाइम, ये जो पैनल दिखाई दे रही है वहां पर एक ड्रॉप डाउन वाला मेनू दिखाई देगा, जैसे कि डेट, या डेट मेनू में चले जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले एज है, अगर मैं एज पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे एक नई कॉलम मिलेगी जहाँ डेट ऑफ डेज ऑफ एज, ठीक है, एज अभी तक कितने डेज हुए वो मुझे मिल जाएंगे। तो आप देखो टोटल डेज मुझे मिले विथ टाइम के साथ, लेकिन टाइम था नहीं इसलिए इसमें टाइम में 0 0 दिखाई दे रहा, लेकिन एज के यही कॉलम पर अगर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और वहां से मैं ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर रहा हूँ, अगर ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन ओपन होते हैं, डेज के बाद आवर्स, मिनट, सेक्टर, टोटल ईयर्स, अगर टोटल ईयर्स पर हमने क्लिक कर दिया तो इस तरह से टोटल ईयर्स हमें मिलेंगे। माना कि ये यहाँ पर डेसिमल में है, लेकिन अगर मैं इसे राउंड अप कर दे तो राउंड अप में भी हमें एज ईयर मिल जाएंगे, जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद राउंड अप, अगर राउंड अप कर रहा हूं तो राउंड अप, सॉरी राउंड नहीं करना है मुझे, सिर्फ राउंड राउंड अप नहीं करना, सिर्फ राउंड करेंगे, जैसे कि राउंड करेंगे पूछा जाएगा कितने डेसिमल तक, मैं 0 डेसिमल प्लेस में ओके प्रेस कर रहा हूँ तो सारे डेटा यहाँ पर अगर इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ईयर्स डेट ऑफर से टोटल ईयर्स कितने हुआ, कंप्लीट ईयर वो यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे, और राउंड ऑफ में अगर डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से कैलकुलेटर टोटल ईयर्स भी डिलीट कर रहा हूँ। अब फिर से वही राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे तो हमें जैसे टोटल ईयर्स मिले थे इस तरह से टोटल डेज भी मिल जाएंगे, इस तरह से करेंगे तो हमें टोटल डेज मिल जाएंगे कितने डेज हुए थे, तो
तो इस तरह से टोटल डेज भी मिलेंगे। राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे, तो वहां पर इस तरह से ऑप्शन आपको मिल सकता है। ओके, मैं ये इतना काम खत्म हो जाने के बाद डेट कॉलम फिर से सिलेक्ट करेंगे। वहां पर हमें सिर्फ यहाँ ईयर ऑप्शन मिलेगा, ईयर में सिर्फ ईयर चाहिए, तो ये नई कॉलम ऐड होगी ईयर की। आप यहाँ से ईयर को सेपरेट निकाल सकते हो, और वही डेट कॉलम ईयर में से राइट क्लिक करके अगर ट्रांसफॉर्म में चले जाएं तो इस तरह से ऑप्शन आपको मिल जा सकता है। अब डेट में से फिर से वही जाएंगे ईयर में, स्टार्ट ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर पर अगर क्लिक करेंगे 1/1/1, देखो 1 जनवरी से ईयर स्टार्ट होता है, तो वही ऑप्शन मिल सकता है। फिर से हम डेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ईयर में चले जाएंगे एंड ऑफ ईयर, उसी तरह मंथ में चले जाएंगे, तो आपको यहाँ से मंथ सेपरेट मिल जाएगा। देखो ये मंथ मिला है, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में चले जाओ, तो यहाँ भी आपको राउंड, एब्सोलेट वैल्यू, फैक्टोरियल, इस तरह से सारे ऑप्शन यहाँ भी मिलेंगे। और जैसे हम वहां से अगर मंथ में और एक ऑप्शन मिलता है डेज इन मंथ, डेज इन मंथ पर अगर क्लिक करेंगे नई कॉलम ऐड होगी, ये मंथ में कितने डेज से, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए, हमें कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मंथ में नेम ऑफ मंथ मिल जाएगा, मंथ का नेम भी हमें नहीं फंक्शन लगाना पड़ेगा, तुरंत सेपरेट मिल जाएगा वो सारी चीजें। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें सिर्फ 1 मिनट में हम कर पाएंगे, और डेट में डेट सिलेक्टेड है तो और भी वहां से कारनामे मिल जाएंगे हमें। देखो वीक, वीक ऑफ इयर्स, यहाँ पर वीक ऑफ इयर्स, ये जो डेट है ये डेट ईयर में कौन से वीक में है, 47 नंबर के वीक में, क्योंकि 11 महीना है, यानी कि 47 वीक, ये 4 नंबर के वीक में आता है, पहले महीने में। उसी तरह वीक के साथ आप वीक ऑफ मंथ भी गेट कर सकते हो, यहाँ पर ऐड हो चुका है, देखो ये महीने में कौन सा वीक है वो भी आप गेट कर सकते हो। और उसी के साथ आप वीक ऑफ स्टार्ट एंड वीक ऑफ एंड भी कर जाओ। उसी तरह डेज, डेज यहाँ से निकाल सकते हो, देखो 19, 28, 21, इस तरह से डेज, और डेज के साथ अगर आपने राइट क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे तो यहाँ पर इतने ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अगर डेज में जाएंगे, डेज ऑफ वीक, कौन सा वीक था, वीक में कौन से डेज है, वो डेज नंबर यहाँ पर दिखाएगा, वीक का डेज नंबर कौन सा है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर डेज के नेम नहीं है, लेकिन अभी चलो हम वही ला कर देखते हैं। डेज के साथ हम नेम ऑफ डेज और वीक के साथ साथ ईयर का डेज भी निकाल लेते हैं, ईयर में डेज नंबर कौन सा है, 365 में से कौन से नंबर का डेज है वो भी निकाल सकते हो, और साथ साथ आप जो देखना चाहते थे वो डेज के साथ नेम ऑफ डेज, तो इस तरह से यहाँ आपको मिल जाएंगे, वेनसडे, मंडे, संडे, उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ मंडे वो पहला डे रहता है 0 नंबर का डेज, यानी कि मंडे, तो संडे नंबर का आता है 6, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ ये कर सकते हो। चलो फ्रेंड, इतना तो हो गया, ये सारा डेटा मुझे मिल गया, और यही डेटा मुझे एक्सेल में चाहिए। अगर मुझे एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो मुझे होम मेनू में जाना है, होम मेनू में जाने के बाद मुझे यहाँ क्लोज एंड लोड ऑप्शन मिलेगा। जैसे क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर रहा हूँ, वही शीट यहाँ पर अभी रिप्लेस हो जाएगी। देखो ये मेरी जो पुरानी वाली शीट 2 थी, ये शीट थी हमने यहाँ से कॉपी करके ले गए थे, लेकिन शीट 4 नई ऐड हुई है, और शीट 4 में ये सारे, देखो सारी कॉलम यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब ये डेटा पूरा लिंक टेबल है, ठीक है। जैसे हम ये टेबल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ क्वेरी के लिए और एक नया आएगा। जैसे जैसे ये टेबल जो था, वो ये टेबल में जहां से लेकर आ रहा हूँ, जहां से लेकर आया हूँ मैंने, वहां पर अगर चेंजेस होगा, यहाँ पर रिफ्रेश करने पर ये फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ वहां पर चेंज हो गई तो यहाँ पर भी चेंज होगी, और ये सारे डेटा भी उसके साथ चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, है ना कमाल की चीज, सिर्फ 1 मिनट में ये सारे काम ये कर सकते हो, ना फंक्शन, कोई फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश्वर फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास, गुड बाय।